अगर आप लोग को खबर नहीं है कि गॉडजिला एक्स कॉन्ग थिएटर पे आ चुका है, तो मैं आपको बताना आया हूँ कि गॉडजिला एक्स कॉन्ग थिएटर पे आ चुका है। पिक्चर को रिलीज हुए 3 दिन हो गए, मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ ना। खैर मेरे काम से मतलब नहीं रखते, गॉडजिला पे बात करते, जिसने कि आखिरकार प्रूव कर दिया कि वो किंग ऑफ मॉन्स्टर है। लेकिन कॉन्ग को भी इतना लो नहीं दिखाना चाहिए था गॉडजिला के सामने, क्योंकि पिछले पार्ट में दोनों के बीच में 2020 का मैच हुआ था, लेकिन इस वाले पार्ट में हैदराबाद और मुंबई का केस हो गया। मैं मैच की बात कर रहा हूँ, देखा था ना। वैसे तुम्हें क्या लग रहा है, पांडे भैया पनौते हैं मुंबई के लिए? खैर जाने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो थाला के फैन है, जय हो सीएसके। बाकी अगर टॉपिक पे वापस लौटे तो गॉडजिला बन गया है प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमंस, कॉन्ग नहीं। वो इंसानों के बीच में अपना स्टेडियम बना के रह रहे हैं, क्योंकि घर तो उसके लिए बन नहीं सकता है, अगर बन भी गया तो वो उसे तोड़ फोड़ देगा। लेकिन वो इंसानों के बीच में मस्त है, लेकिन जब बाहर निकलता है तब 10-15 घर तोड़ देता है, ये अलग बात है। और पता नहीं ये दोनों टाइटंस कब से इंसानों की तरह बर्ताव करने लगे, मतलब कि इसमें उनका एक्सप्रेशन, उनका इमोशंस, वो सब भी देखने को मिलेगा। और उस चीज की भी इस पिक्चर में बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि इस पिक्चर में इंसानों को ज्यादा स्क्रीन नहीं मिला है और उसी हिसाब से बातचीत भी कम होती, तो जो सब कुछ होता है टाइटंस के बीच उसे समझने के लिए इनका एक्सप्रेशन ही काम आता है। जाहिर सी बात है ये लोग तो बोलते नहीं, तो कुछ तो सही। और वो जो छोटू कॉन्ग था वो एक परफेक्ट नमूना था। लेकिन स्कार किंग के बारे में जितना डरावना सुना था उतना डरावना था नहीं, बस वो सिमू का रिंग मास्टर है, इसके अलावा वो एक तुच्छ सा प्राणी, और लास्ट में उसे तीनों ने मिलकर चोर चोर कर दिया। क्या उसके भी टुकड़े हुए होंगे बर्फ की तरह, पता नहीं, बस दिखाया नहीं तो पूछ रहा था। बाकी पिक्चर थोड़ी बहुत जगह पे नॉनसेंस वाला काम करता है, मैं बात कर रहा हूँ प्रोजेक्ट पावर हाउस की, जिसने देखा है वो समझ गया होगा। उस चीज को करने के लिए थोड़ा सा टाइम ले सकते थे, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी दिखाई, और आप तो ये जानते हैं कि जल्दबाजी में कोई काम अच्छा नहीं होता है, तो इनका भी बिगड़ गया। और कॉन्ग भी काफी ज्यादा समझदार हो गए, वो चुपचाप से निकल पड़ता है गॉडजिला को लाने, भैया किसकी लेनी है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कॉन्ग को मैंने आज तक ऐसे देखा नहीं, वो काफी अहंकारी प्राणी है, छाती पीट के बताता है, झुकने वालों में से तो वो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसमें उसे नल्ला बना दिया, मैं झुकेगा नहीं। और सीमो को थोड़ा सा और बिल्डअप देना चाहिए था, प्लस डेंजरस लुक भी, और उसके ऊपर सवारी तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, मजाक है क्या। खैर तो पिक्चर में ऐसे कुछ कमियां थे, जिसमें से ज्यादातर कमियां एंटरटेन करते हैं, और अगर आपने कुछ जज किया है तो मेंशन जरूर करना कमेंट में, पिक्चर इन कमियों के बाद भी प्रॉपर एंटरटेन करता है। बाकी इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को कंट्रोल कर ही दो।